कैसे हो बच्चों? वेरी गुड इवनिंग। कल का लेसन आप लोग को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइए। तो मैसेज नहीं किया कल के लेसन के बारे में देखता। खैर कोई नहीं, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि समझने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और कोशिश करेंगे तो कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, कल हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्लीशन पढ़ रहे थे, जिसमें आपको हम लोग नॉकआउट का जो है हम लोग देख रहे थे, इवन के केस में और ऑड के केस में। मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर से जो है मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे पूछिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कल हम लोग बता दिए फैक्टर डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ कंपटीशन, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट बता दिया, नॉकआउट है, लीग है या राउंड रॉबिन बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, चैलेंज बोलते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉकआउट का मेरिट और डीमेरिट्स बता दिया था। पिक्चर्स बनाते समय किस किस चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बता दिया, कि नंबर ऑफ टीम्स, हाफ टीम्स को किस कैसे बांटेंगे, फर्स्ट हाफ, अपर हाफ में, लोअर हाफ में, 22 को कैसे हाफ में बांटेंगे। ठीक है, 22 क्या होता है, स्पेशल प्रिविलेज होता है। ठीक है, ये सब आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, बाइक बता दी, यहाँ तक जो हम लोग देख लिए थे। ठीक है बेटा, अब सवाल आता है कि सीडिंग, सीडिंग क्या होता है, बाई क्या था। बाई भी एक प्रिविलेज होता है जिसमें कोई भी टीम जो होती है फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है। लेकिन सीडिंग में क्या अंतर होता है, सीडिंग में होती है जिसमें अच्छी टीम को जो होते हैं हम लोग इस तरह से फिक्सचर में फिट करते हैं ताकि वो अर्लियर राउंड में नहीं खेलते हैं। ठीक है, अर्लियर राउंड का मतलब है वो डायरेक्ट या तो क्वार्टर फाइनल से खेलेंगे या प्री क्वार्टर फाइनल से खेलेंगे। ठीक है, क्वार्टर फाइनल से खेलेंगे इस तरह से रखेंगे इसको, नंबर 2 पे देखिए, इट इज़ द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग गुड टीम्स, मतलब अच्छी टीम को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है एंड फिटिंग देम इन द फिक्चर, और इस तरह से फिक्चर्स में फिट किया जाता है सो दैट दे डू नॉट मीट इन द अर्लियर राउंड, मतलब शुरुआती राउंड में जो है ये लोग नहीं मिल सके अच्छी टीमें। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ द टीम इज नोन। मान लीजिए सपोज वर्ल्ड कप, मतलब हमें इसके लिए क्या है कि हमें टीम का पता होना चाहिए, अननोन टीम के बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीडिंग नहीं दे सकते, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये टीम अच्छी है तो, और इस टीम को शुरुआती चरण में नहीं खिलाएंगे, और शुरुआती चरण में खिलाते हैं हो सकता है मैच का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, अच्छी टीम बाहर चली जाती है, जो आपका मेरिट्स था डीमेरिट्स था आपका नॉकआउट में, उस चीज़ से बचने के लिए जो है हम लोग सीडिंग रखते हैं, सीडिंग लगाते हैं। यहाँ पे फिर ध्यान देने की बात है, द अदर टीम्स आर पुट इन फिक्चर्स बाई लॉट, बाकी टीम को हम क्या करते हैं लॉटरी सिस्टम के थ्रू रखते हैं, बट जो आपको जिसको सीडिंग देना है उसको हम पहले से ही फिक्स किए रहते हैं। ये नंबर 2 पे रहेगा, जैसे ये रहेगा द नंबर ऑफ सीडिंग्स टीम्स इज जनरली 2 का पावर 1 2 3 में रहेगा, 2 पे रहेगा, 4 पे रहेगा, 8 पे रहेगा, 16 पे रहेगा, एक्सेट्रा, इस तरह से। स्पेशल सीडिंग का मतलब नहीं है, मतलब पहले से हम फिक्स कर लेंगे कि 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 8 नंबर पे या 16 नंबर पे, ताकि जो है वो डायरेक्ट जो है वो आपका क्वार्टर फाइनल से खेलना शुरुआत करें। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, किस तरह सीडिंग वाला भी एक टूर्नामेंट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले जो है अब हम लोग आ जाते हैं लीग और राउंड रॉबिन पे, जो आज के सेशन का जो है मेन टॉपिक है, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग कहिए या राउंड रॉबिन बात एक ही है। इसमें आप देखिए क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ईच टीम प्ले अगेंस्ट एवरी टीम अदर पार्टिसिपेटिंग टीम ऑफ देयर पूल, यानी क्या होता है कि हर एक टीम को हर एक के साथ खेलना होता है, बेस्ट मेथड होता है कि आपका टूर्नामेंट में अपने आपको पहचानना है किसी टीम को, और आप सोच रहे हैं कि ये टीम अच्छी है, इसका कोई लक कम फेवर कर रहा है, तो आप लीग के थ्रू जान सकते हैं। लीग इसलिए होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का जो है हमें पता आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, अब लीग कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है, एक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी, फिर दूसरा टीम जो है उस टीम के साथ खेलेगी, यानी हर एक टीम जो है दूसरी टीम से एक एक बार खेलेगी। डबल लीग में क्या होता है, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ
दो बार खेलेगी, होम अवे वाला जो सिस्टम होता है ये होता है। आप आईपीएल देखते हैं ना, कोलकाता का मुंबई का, कोलकाता की टीम मुंबई में खेली या मुंबई का टीम फिर कोलकाता में जाकर खेली, वो डबल लीग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सिंगल लीग का क्या है, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं। नॉकआउट में आप लोग देखे होंगे कि नॉकआउट में हम लोग कैसे निकाल रहे थे, एन माइनस वन, सिंपल था, एन माइनस वन हम लोग निकाल रहे थे। इसमें कैसे होता है, एन यानी एन फॉर नंबर ऑफ टीम्स एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू। सपोज अगर आपका 8 टीम है तो मैचेस कितना हो जाएगा, 8 ब्रैकेट में 8 माइनस वन यानी 7 बाई टू यानी 56 बाई टू इक्वल टू 28। ठीक है, ये दूसरा मेथड भी है बट उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ये सिंपल मेथड पे ही काम करेंगे हम लोग। आप देखिए डबल लीग में क्या होता, पहले क्या था सिंगल लीग में, यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई टू कर दिए थे, डबल लीग में ये टू गायब हो जाएगा। ये देखिए सीधे एन एन ब्रैकेट एन माइनस वन हो जाएगा। और एडवांटेज क्या होता है, मैंने पहले बताया ना, स्ट्रॉन्ग टीम ट्रू विनर को डिसाइड करना होगा, ऑल अदर टीम्स आर ऑल्सो रैंक, और टीम को रैंक वाइज सिस्टम करना है, फर्स्ट रैंक पे कौन आया, सेकेंड रैंक पे कौन आया, थर्ड रैंक पे कौन आया। तो रैंकिंग ऑर्डर में आपको जो है इसमें हेल्प मिलता है, ट्रू विनर को डिसाइड करने में आपको हेल्प मिलता है। दूसरा है देर इज नो वेटिंग फॉर द क्वालिफाइड टीम्स फ्रॉम द अदर राउंड। अब क्वालिफाइड टीम का जो है इसमें इंतजार नहीं करना पड़ता है, ये टीम क्वालिफाई करेगी कि नहीं करेगी उसमें हमको पहले से पता रहता है कि हम लोग जो है सभी से मैच खेलना, सभी टीम को। दूसरा क्या होगा कि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है, जितनी देर आप पढ़ाई कीजिएगा, जितनी देर आप खेलिएगा, जितनी देर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्या होता है, परफॉर्मेंस हाई होता है। अब डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, द एक्सपेंडिचर इज हाई, ज़्यादा मैच होगा, ज़्यादा टूर्नामेंट होगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। सिंपल चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपका, आप लीग का जो है आप एडवांटेज लिखिए और डिसएडवांटेज लिखिए। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्चर्स, कि अब मेथड किस तरह से जो है हम लोग फिक्चर्स निकाल सकते हैं लीग का। तो तीन मेथड है बेसिकली, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर मेथड। हम लोग जो है इस दो मेथड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये रेयर आता है एग्ज़ाम में, फिर भी अब पढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आज के सेशन में हम लोग इस दोनों पे फोकस करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड। ठीक है, मेथड पूछे ना किस तरह से, तरीका क्या है फिक्चर्स लीग का जो है मैच कराने का, फिक्चर्स निकालने का। ठीक है, साइक्लिक मेथड देखिए, फिक्स नंबर वन इन केस ऑफ इवन नंबर्स, इवन एक नंबर जो है आपका फिक्स रहेगा इवन नंबर में, एंड फिक्स बाय इन द केस ऑफ ऑड, और इवन है तो एक नंबर जो है यहाँ पे आप लोग देखिए एक नंबर फिक्स रहेगा हर एक राउंड में, देखिए यहाँ 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 यहाँ, क्यों, ये अभी एक टीम से इवन है, ऑड रहता तो यहाँ पे बाय फिक्स रहता, बाय लिख देते फिर 1 2 3 होता। ठीक है, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि लगातार एक जो है साइकिल की भांति जो है मैच हो रहा है। ठीक है, अब कैसे हो रहा है ये देखिए, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का, जो हमारा नॉकआउट में क्या था, नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का 2 का पावर पे निकाल रहे थे, और नंबर ऑफ मैचेस क्या था, एन माइनस वन, जो एन माइनस वन उसमें जो है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का था, लीग में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे एन माइनस वन के थ्रू जो है हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे राउंड्स। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड, यहाँ पे पहले कैसे हुआ, वन सब में पुट कर दिए, वन किसी साथ खेला, एट के साथ, वन लिखेंगे, टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, फोर लिखेंगे, फिर ये इधर आ गया 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड, राउंड कितने हो गए, 8 टीम है, तो 1 n-1 8-1 यानी 7 राउंड है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मैचेस कैसे कराएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी फर्स्ट का मैच 8 के साथ, सेकंड का मैच 7 के साथ, 3 का मैच 6 के साथ और 4 का मैच 5 के साथ, फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड में 1 तो फिक्स ही है,
अब ये जो 8 था ना, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये 8 आ गया यहाँ पे, फिर जो है 2, 3 इस तरह से नीचे आ जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब ये 7 फिर यहाँ आ जाएगा 1 के नीचे, ये देखिए यहाँ 7 से यहाँ आ गया, ये देखिए यहाँ आ गया ना, फिर उसके बाद 8, उसके बाद फिर नंबर 2 से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, फिर इसी तरह से राउंड 4 में ये 6 आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर 7, 8, 2, 3, 4 और 5, क्लियर है। 5 में भी इसी तरह से होगा, मतलब ये जो है जहाँ पे नेक्स्ट राउंड में जो नंबर ऑफ टीम है वो 1 के नीचे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ 8 था, यहाँ 8 हो गया, 7 था, 7 हो गया, 6 है, 6 है, 5 है, 5 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह से लास्ट में क्या होगा, 7 राउंड होगा, क्योंकि अब इसके बाद नहीं हो सकता, और इसके बाद आप कीजिएगा तो ये नंबर 1 जैसा रिपीट हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, तो फिर यही, तो इस तरह से जो हम लोग विनर कर देते हैं, विनर को डिसाइड कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि हाँ मैच जीतने वाले को जो है 3 पॉइंट मिलेगा, ड्रॉ वाले को 1-1 पॉइंट मिलेगा और हारने वाले को 0 पॉइंट मिलेगा। ये हमारा साइक्लिक मेथड है, तो मुझे जहाँ तक लगता है आप साइक्लिक मेथड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग आपका स्टेयर केस मेथड देखेंगे, फिलहाल जो है आप लोग यहाँ तक देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, रोज में एक वीडियो डालूंगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बताने को तो मैं 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में या इवन 10 घंटे में सारा फिजिकल एजुकेशन कवर कर लूँ, बट वो आपके समझ से ऊपर से चला जाएगा, और जो हमारा प्रयास है वो प्रयास पूरा नहीं होगा, प्रयास सफल नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। और इसके अतिरिक्त भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए हमें। चलिए, थैंक यू।